पहले मेडिकल टीम मंगाई है, इनके कोई इनसे बात करवाया इन्होंने, और कोई तो ले जी सर, आप खुद बात कर लीजिए। लो मैम, साथ में मतलब यहाँ का भी जा सकते Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. बाहर से आके बीमार है भैया, नहीं तो और तो कोई बात ही है, हम किससे चेक करेंगे बता, हमारे पास है कुछ? ये खुद भैया इसके घर, इसको दिक्कत हो रही, उसके लक्षण तो दिख रहे हैं ना भैया। चलो भैया दूर, एक आप वाइट देना, आ जाओ आप। नाम क्या तेरा? मुंह पे लगाए लगाए बोल। अंसारी, टॉपिक है, टॉपिक कहां का रहने वाला है? धुलिया, महाराष्ट्र का। पैदल इतनी आया, पैदल आया सुबह से, पता नहीं कहां से घूम गया, तो हम तो 3 घंटे से 4 घंटे से इसकी चौकीदारी कर रहे हैं, इसको भागने आ गए। हमने कहा छोड़ो, कौन है ये? सर हमारे को सुबह उठा, उस टाइम सूचना मिली थी करके 6 बजे से कोई एक बाहरी व्यक्ति आया हुआ है जो पूरे गांव में घूम रहा है। सुबह कालीछाट माता मंदिर था, फिर हमने सुबह उठते 8 बजे CMHO को फ़ोन किया कि सर एक संदिग्ध व्यक्ति आया है, उसके लिए जांच कराई जाए। उन्होंने करीब 9:30 बजे NM और SSO ने जाँच के लिए भेजा, लेकिन उनके पास ना तो कोई जाँच किट था, कुछ नहीं था। अब ये व्यक्ति सुबह से पूरे गाँव में घूम रहा है और पता नहीं इसको कोरोना है या संदिग्ध है नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये संदिग्ध है, क्योंकि ये कह रहा है इसको खाना दिया, बोले मेरा गला दर्द कर रहा है, मेरे को बुखार सी आ रही है, तो कड़ा लग रहा है, इसलिए हमको थोड़ा ऐसा लगा डाउट संदिग्ध है। अब पिछले 4 घंटे से हम इसका या करीब 8-10 घंटे मिलकर इसकी चौकीदारी कर रहे हैं कि ये कहीं भाग नहीं जाए। CMHO को फ़ोन कर दिया, बोले भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं है। अभी आपके आने के 5 मिनट पहले ये गाड़ी आई है, अभी गाड़ी वाले भी कह रहे हैं कि अब इसको लेकर नहीं जाएंगे, हमारे साथ को चलो। अब हमारे यहाँ से कौन जाएगा? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, कोई साधन इसको लेकर जाने के लिए, ये मना कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि प्रशासन को जब सूचना दी जा रही है ऐसे लोगों की, तो ये ऐसा काम कर क्यों रहे? ये कह रहा है मैं महाराष्ट्र आया हूँ, धुलिया महाराष्ट्र से बता रहा है, टॉपिक अनुसार इसका नाम है। ले हमारा निवेदन ये है कि अगर ऐसे संदिग्ध है, इतनी महामारी में अगर आप ऐसे, अगर प्रशासन ऐसे निरस्तर दिखाएगा तो कैसे काम चलेगा? 4 घंटे हम इसकी चौकीदारी कर रहे हैं कि ये भाग नहीं जाएगी, जरूर जाने जाएगी, तो खाने पानी की बोतलें दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बच्चे को दूर रख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन है कि इसको यहाँ से लिया जाए, उसको जाके भर्ती कराए, इसकी जाँच की जाए। कैलाश कुमार, वार्ड 39 से पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से। सर ये सुबह से यहाँ पे गाँव वालों ने बताया कि कोई व्यक्ति बाहर का आया हुआ है और ये यहाँ पे बैठा हुआ कालीचाट के इधर, तो हमने सुबह से हम आके इसके 8 बजे से हम इसकी निगरानी में लगे हुए, पार्षद जी आशा है, मैं हूँ यहाँ पे कि ये भाई कहीं जाए नहीं। फिर आके इसको देखा तो ये उल्टियाँ कर रहा, वोमिट कर रहा है सर, है ना, बुखार है इसको, गले में सर्दी खांसी है कि मतलब खराश हो रही है कि, इसलिए हमने इसको वहाँ GLN भेजना मांग रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। अभी तक आपके पास कोई सुविधा नहीं है इसके स्क्रीन? नहीं सर, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। अभी क्या किस तरीके की परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोगों को ये परेशानी आ रही है सर, ना तो कोई मेडिकल टीम नहीं आई है कोई यहाँ पे, अब ये आए भी है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लेके नहीं जाएंगे। क्या चाहते हैं हम? हाँ। हम तो यही चाहते हैं ना सर इसको ले जाए, क्योंकि ये मेरे गांव का है नहीं ना, तो हम क्या करें सर आप बताइए। क्या नाम क्या बता रही है? क्या नाम है? मोहम्मद अंसारी। और बाहर का है सर, तो इसलिए इसके कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ का होता तो हम तो खुद ही नहीं पेट लेते ना सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रन्नो देवी एनम। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत
तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।